हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज रंजनास कैसल। नया दिन नया ब्लॉग। आज है गणपति का दूसरा दिन। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। कैसा रहा आपका गणपति पूजा? सबके घर में जिन्होंने किया सबका अच्छा ही होगा। पूजा तो सबका अच्छा ही होता है, इसमें और क्या पूछना है। तो अभी मैं नहा धोकर के रेडी हूँ और सबसे पहले भगवान के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। उसके बाद भगवान का दोपहर का भोग रेडी होगा। उसके बाद सारा काम ख़त्म हो जाए तो अगर फिर मुझे टाइम मिले तो मैं रेडी हूँ। बनाने के लिए सोच ही रही थी भगवान जी के लिए, पापा के लिए। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि छोड़ दो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ब्रेकफास्ट भी अगर घर में ही बनाने लगे तो। तो अभी मैंने भेजा है, देखते हैं कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए तो। मैंने सैंडविच बोला है वेज सैंडविच के लिए, तो मिल जाता है तो अच्छा है, और नहीं मिलता है तो कुछ अल्टरनेटिव तो पापा के लिए मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पर जितने भी सारे मिठाई शॉप्स हैं ना, तो सब में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारा वैरायटीज अवेलेबल है। तो देखते हैं आज पापा के ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिलता है। आज सोचा था साड़ी पहनूंगी लेकिन हुआ नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं मिला। और साड़ी वाड़ी पहन करके कुकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। कोई नहीं है जिससे मैं लूँ, तो आज मैंने एक पंजाबी स्टाइल में सूट। आज मेरा और मिष्टी का ड्रेस सेम है, सिर्फ कलर अलग है। वी बोथ आर वेयरिंग पंजाबी स्टाइल सूट और वी बोथ आर ट्रेनिंग। मैं मिलाऊंगी उससे, शी इज़ सुपर एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं हमारे पापा के दर्शन के लिए। तो पता नहीं, वो उसको मैं बोलूँगी अपने दोस्तों से भी मिलवाए। तो सारे के सारे बच्चे आजकल के शाही शाही टाइप्स के होते हैं, तो आई डोंट नो इफ़ दे आर कंफर्टेबल इन कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आए तो मैं ज़रूर मिलवाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट हो गया है भगवान का और अभी स्टार्ट करूँगी मैं भोग का प्रिपरेशन, क्योंकि वो एक बजे के अंदर रेडी कर देने के लिए बोला है। तो आज भोग में भी मैं बनाऊँगी पुलाव, आलू, फूल गोभी की सब्ज़ी, पनीर, चटनी, खीर, ये सारा सब कुछ बनाना है और अकेले अकेले बनाना है। ऐसे हेल्पिंग हैंड है मेरे पास और मैं तैयार, आज शायद से मुश्किल है तैयार हो पाना, तो आज मुश्किल ही लगता है मेरा। तो मैं हो चुकी हूँ आज रेडी और मैं ये वाला पहन रही हूँ। मुझे ये ड्रेस इतना पसंद आया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई पूजा तक, मैं दुर्गा पूजा तक, तो मैंने अभी पहन लिया। और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं और मम्मी आज ट्विनिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है मम्मी का भी एकदम सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। मम्मी पहनने वाली है कुछ ग्रीन, मतलब कुछ नहीं, ग्रीन पहनने वाली है और मेरा ये येलो है। भगवान का भोग आरती तो सब हो गया है, अभी दोपहर का कोटा ख़त्म, पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म।
और अब फिर शाम को होगा सौंदाबाती, फिर रात का भोग आरती, और मैं तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। और अगर मेरा ठीक ठाक से रहा, मुझे एनर्जी मेरा वापस आया, तो मैं थोड़ा सा रेडी भी हो जाऊँगी। फिर आज मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, आज बहुत सारे गेस्ट आए घर में, तो आज ही मैं रेडी नहीं हो पाई। आज मेरे घर में इतने सारे गेस्ट है गणपति के लिए, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला रेडी होने का। पर कोई नहीं, बप्पा को तो मैंने अच्छे से रेडी कर दिया, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। खुद तो मैं हमेशा रेडी होती हूँ। तो आज फाइनली है सैटरडे एंड मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। दिस इज अश्मिता, सिद्धार्थ, छोटो बोनू, दिस इज सोहाग। अरे हेलो तो बोल, ऐसे लज्जा के पाए। सबको एटलीस्ट रिव्यू तो दे दो। नाइस, सिर्फ नाइस, वेरी गुड, क्वालिटी फूड विद ग्रेट टेस्ट एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए थे। मैंने आपको दिखाया, सारे वैसे कैमरा शाई है तो इतना नहीं ले पाई मैं, बट मैं पोस्ट करूंगी बाद में पिक्चर्स। और अभी बज गए 5, मम्मी अभी आई है और बहुत थक भी गई है, ये देखिए। सच में मैं बहुत थक गई हूँ, अभी लंच खत्म हुआ है और अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद मुझे भी रेस्ट करना है, मैं भी पागल हो जाऊंगी वरना। उसके बाद फिर शाम से है, पर पूजा बहुत, आज भी पूजा बहुत अच्छे से हो गया। आज मैं उतना नहीं देख पाई क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स भी आए थे। अभी हो रही है शाम की आरती की तैयारी, और कल मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि कल पापा जा रहे हैं। ये 2 दिन कैसे कट गया भगवान ही जाने। बोलो, बहुत जल्दी चला गया, नहीं बहुत जल्दी चला गया, नहीं लगना। एक्साइटेड थे ना हम लोग, बहुत दिनों से एक्साइटेड थे। अरे मुझे तो लग रहा है मैं रोज के जाने का टाइम हो गया, मुझे तो लग रहा है मैं रोज।
तो दोस्तों सब कुछ आज के लिए हो गया है, भगवान का भोग, रात का आरती, एवरीथिंग डन, भगवान को शयन दे दिया है और अभी हम डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद आज बहुत लेट हो गया है, आज का दिन मतलब हद से ज़्यादा हेक्टिक था। आज का ब्लॉग भी मतलब अच्छे से मैं कर ही नहीं पाई, मैंने जैसा सोचा था जिस तरीके से प्लान करी थी आज के डे की, तो उसमें से 50% वैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हुआ, लेकिन बाकी 50% जैसे कि मुझे आज बहुत अच्छे से तैयार होने का मन था, काफ़ी सारे गेस्ट आए, पर आज ही के दिन ना मैं तैयार हो पाई ना मैं कुछ मतलब इतना बिजी था कि मैं एक साड़ी तक नहीं डाल पाई, तो ऐसे ही चला गया ये पूरा दिन। होपफुली कल के दिन कुछ हो सके, पता नहीं, कल भी बहुत सारे प्लानिंग है, कल भी बहुत हेक्टिक ही होने वाला है, बट स्टिल मैं देखती हूँ अगर कल का दिन अच्छे से स्पेंड कर पाऊँ। कल के दिन के लिए मन भी बहुत उदास है, पापा आने का एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर था, अब वो कल चले जाएंगे, उसका दिल उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अभी से मेरा तो मुझे बहुत उदासी फील हो रहा है, बहुत अजीब सा डाउन जैसा फील हो रहा है मुझे, बहुत मतलब मैं बता नहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे मतलब कितना कैसा फील हो रहा है, बट एनीवेज ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आना जाना तो है ही, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से पापा आएंगे, अगले साल फिर ऐसे ही धूमधाम से भगवान ने चाहा तो इससे भी ज़्यादा रौनक के साथ मनाऊंगी मैं मेरे गणपति का सेलिब्रेशन। तो ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ये लाइक करके बताइएगा मुझे, कमेंट करना कर लीजिएगा प्लीज़, अगर दिल करे कमेंट करने का, और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, टिल देन गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, बाय बाय।